नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। काम के साथ साथ इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आखिर इतना काम करवाने में, मतलब छत के ढलाई तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, उसके साथ साथ किस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से बीम बनाया गया है। इस घर के छत के ऊपर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा, उसके साथ जो सीढ़ी में काम किया गया है, जो नीचे वाला हिस्सा में काम किया गया है, पूरा काम दिखाने वाला हूँ। साथ में टोटल कितना रुपये का खर्चा आने वाला है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना घर को किस तरीके से बनवाना है और आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो काम किया गया है, छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट किया गया है। नीचे का फर्श बनाने का काम अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया गया है, इसमें मिट्टी डालने के साथ इसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इस घर में लगा हुआ कॉलम के बारे में। इस घर का जो प्रत्येक कॉलम है उसका साइज सेम रखा गया है, सरिया भी सेम है। ये तीन तला तक के लिए कॉलम का डिज़ाइन किया गया है। अगर इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इस घर का कॉलम को 9 इंच बाई 12 इंच में बनाया जा रहा है और इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका ये वाला जो पार्ट है ये 9 इंच का है, इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ तक 9 इंच है, उसके साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच का है। मतलब 9 इंच बाई 12 इंच का बनता हुआ ये कॉलम है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो तीन तला के लिए ये कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तीन तला इस घर को बनाया जाएगा, तो इसमें जो लगा हुआ सरिया है वो कितना mm का है और कितना mm का रिंग का इस्तेमाल इसमें किया गया है। देर नहीं करेंगे, पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से इसमें सरिया का इस्तेमाल किया गया है। मैं ऊपर छत पर चलकर तो दिखाऊंगा ही कि किस तरीके से काम किया गया, कितना टोटल कॉलम है, लेकिन यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर 4 जो मेन बार है वो 16 mm का है और सपोर्टिंग बार जो है वो यहाँ पर 12 mm का लगाया गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम बनाते हो तो इजीली अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो, अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम में 6 सरिया इस तरीके से देते हो। ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर इस घर में बीम का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसका साइज़ क्या है और कितना रुपये लगा है इस घर को अब तक बनाने में। तो दोस्तों, ये जो आप बीम देख पा रहे हो ये इस घर का प्लेन बीम है, इसी के टॉप वाले लेवल पर इस घर का फर्श का काम है वो होने वाला है। मैं आपको एक जगह पर इस बीम को दिखा देता हूँ। देखिए, जो इसका डेप्थ है और जो इसका टॉप है इसके बारे में समझिए। जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आप ब्रिक वर्क करवा सकते हो, मतलब ईंट का जुड़ाई करवाना है आपको तो ऊपर में कराइएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे डेप्थ बोला जाता है, गहराई बोला जाता है। तो यहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच का ये बीम है, ये देखिए जो डेप्थ है वो 12 इंच का है और जो टॉप है वो 9 इंच का है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसका संख्या की बात कर ले तो 4 है संख्या यहाँ पे, जो कि 12 mm का यहाँ पे जो सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया। 12 mm का 4 सरिया घर के प्रत्येक बीम में यहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया है। इस घर में देखिएगा तो सीढ़ी का निर्माण भी कर लिया है, चूँकि कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो है इसलिए मैं आपको जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके बारे में बताऊँगा। आप चाहो तो इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा में अपने घर के लिए सीढ़ी बना सकते हो, और इसके साथ साथ जो नीचे का जो सामने का हिस्सा है वहाँ पे पार्किंग वगैरह भी आप रख सकते हो। अभी बताऊँगा, दिखाऊँगा फिर से। देखिए, ये जो सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है, ये कॉलम से लेकर यहाँ बीम तक एक और एक्स्ट्रा बीम ले आया गया है। उसके साथ यहाँ आप देखिएगा तो ढलाई के साथ में यहाँ पर बेस बना लिया गया, फिर सीढ़ी बनाने का काम यहाँ से शुरू है वो किया गया। सीढ़ी का चौड़ाई 3.5 फीट रखा गया है। ये दोस्तों 3.5 फीट चौड़ाई आप सीढ़ी देख पा रहे हो। इस तरीके से पहला फ्लाइट पार्ट शुरू होता है और चढ़ते हुए आप लैंडिंग पर पहुंच जाते हो। देखिए, ये लैंडिंग है और उसके साथ साथ मैं अभी जहां पर चल रहा हूं ये फ्लाइट पार्ट है, और इसके साथ साथ ये जो बिल्कुल आपको समतल जो आपका नज़र आ रहा है सामने में, जिसको बहुत सारे लोग चौताल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे लैंडिंग बोला जाता है, तो इस तरीक़े से आप देख सकते हो। उसके बाद फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट है, यहाँ से शुरू होता है और आपको डायरेक्ट छत तक ले जाता है। यहाँ पर भी चौड़ाई है वो 3.5 फीट का है, लैंडिंग का चौड़ाई भी 3.5 फीट का ही रखा गया था। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि
किस तरीके से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, कितना एमएम का रहता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है सीढ़ी में, एक 10 mm का और उसके साथ साथ एक 12 mm का। इस तरीके का फिर आगे देखिएगा तो फिर आपको एक 10 mm का, एक 12 mm का, इस तरीके से यहाँ पर रैंडमली 10 mm और 12 mm का जो सरिया है उससे आप इजिली यूज़ कर सकते हो। ये जो निकला हुआ सरिया देख रहे हो ये इसलिए निकाला गया है ताकि जब ऊपर वाला तल्ला के लिए जब सीढ़ी का निर्माण किया जाए, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इस तरीके से निकाल के छोड़ दिया गया ताकि ऊपर वाला तल्ला में जब सीढ़ी बनाइएगा तो इसी सरिया का इस्तेमाल करते हुए आप सीढ़ी का निर्माण कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए तो स्पेशल आपको बेस नहीं बनाना है, तो छत के ढलाई के समय ही आपको सरिया को निकलवा लेना होता है। इजिली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो घर का छत का ढलाई का काम है उसे कम्प्लीट कर लिया गया है। 4.5 इंची जो है वो छत का मोटाई यहाँ पे रखा गया है, आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 20 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। ये 2000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है और प्रत्येक कॉलम का साइज़ 9 इंच बाय 12 इंच का ही रखा गया है। सरिया आपके सामने है, मैंने बताया था कि ऊपर चल के दिखाऊँगा, तो 4 सरिया यहाँ पर 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊपर भी आपने देख लिया, नीचे का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ब्रिक वर्क, अभी बहुत सारा ब्रिक वर्क इसमें बाकी है जितना काम किया गया है। अगर इतना में आप चाहो तो नीचे वाला तला में बेसमेंट भी बना सकते हो, कुछ आगे की तरफ आप दुकान भी बना सकते हो, पीछे की तरफ घर रख सकते हो या फिर पूरी जगह में आप घर भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाहर का जो दीवार जोड़ने का काम है वही अभी चल रहा है। साइड की तरफ अभी जो दीवार का काम है जोड़ने का वो अभी बिल्कुल ही खाली है। तो देखिए इस तरीका से छत के ढलाई तक काम किया गया है, सामने और साइड की तरफ जगह है वो खाली है, तो सारा ऑप्शन खुला हुआ है। दुकान भी बन सकता है, आगे दुकान पीछे मकान भी बन सकता है। अगर आप पूरा में मकान बनाना चाहते हो तो इजीली आपको 6 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और सामने की तरफ आपको पार्किंग एरिया भी इजिली इसमें निकाल सकता है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों बात कर ले कि आखिर इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो दोस्तों जिन ठेकेदार ने इस घर को बनाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उनका कहना है कि इस घर में लेबर कॉस्ट को लेकर मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब जो टोटल खर्चा है 8.5 लाख के आसपास में आ चुका है। काम आपके सामने है, छत का ढलाई कंप्लीट किया गया है, नीचे का फर्श में कुछ और मिट्टी डालने के बाद में यहाँ पे ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद फर्श वगैरह बनाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बात हो रहा है सिर्फ अब तक का काम का, मतलब अब तक का कितना काम किया गया है। तो देखिए ब्रिक वर्क में भी बहुत सारा बाकी है, छत का ढलाई हो चुका है, काम आपके सामने, मैंने ऊपर और नीचे से पूरा आपको दिखाया। तो इतना अगर आप काम करवाना चाहते हो लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया में, तो आपको 8 से 9 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे काम बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, इस घर का मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो दिखाया हुआ था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में मैंने आप लोग को बताया हुआ था। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।